इससे हमारी गाड़ियों का लोकेशन इस पर चलता रहेगा, जैसे ये सारी गाड़ियां देख रहे हैं अभी मूव कर रही है, जो जो गाड़ी जिस तरह से जा रही है गाड़ी का मूवमेंट भी ट्रैक करेंगे हम लोग, और इस पर ATR से लेकर सारी इन्फॉर्मेशन इस पर आ जाएगी और जो भी सबमिट करेंगे हमें दिखाई देगा, तो एक्जैक्टली सारी चीजें इस पर आ जाएगी। कॉल इस पर रिसीव करेंगे, इनका यहाँ पे वायरलेस सिस्टम अलग है, ये सिस्टम पे जो भी कंप्लेन है, जैसे ये ड्रिंक कर रही है तो ये कंप्लेन या कोई भी आता है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट है, एक्सीडेंट है या अन्य तरह की जो कुछ भी सर्विसेज है, तो इतने हैं, जैसे ये सारी फैसिलिटेशन है इसमें, मैसेजेस तक इसमें देने की सुविधाएं हैं, और ये मेरा पूरा गाड़ी का ट्रैकिंग सिस्टम है, हम इसको चाहे तो जहाँ जा रही है गाड़ी उसको हम इससे कंट्रोल कर सकते, देख सकते, बता सकते कि गाड़ी अभी वहाँ से। सभी भोजपुर वासियों के लिए और आम पब्लिक के लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो देना चाहेंगे। आज भोजपुर जिले में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं आपातकालीन जो अनुक्रिया सेवाएं हैं, जिसको ERSS कहते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरे देश में भी चल रही है, कई राज्यों में, और हमारे बिहार राज्य में भी ये सिस्टम प्रारंभ किया जा रहा है। ये विशेष करके आम नागरिकों को सहूलियत प्रदान की गई कि जब भी कभी जर्नी के दौरान या किसी अन्य कारणों से जब वो रास्ते में हैं और उन रास्तों से परिचित नहीं है या वैसी जगह पे फंस गए हैं जहां उनको किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है, तो वैसे में पुलिस एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो उनको नजर आता है, लेकिन उसमें भी जब समस्याएं आती है कि किसको कनेक्ट किया जाए, तो एक यूनिफॉर्म नंबर रखा गया आपात नंबर 112, इसको डायल करेंगे तो यहाँ पर एक कमांड सेंटर है जो कि पटना में सेंट्रलाइज है, वहाँ पे उनकी कॉल रिसीव होगी, और कॉल GSM बेस्ड है, मोबाइल डेटा टर्मिनल के हिसाब से है, जहाँ से वो व्यक्ति फोन करेंगे उस जगह का लोकेशन वहाँ पे होगा, और उस कमांड सेंटर के द्वारा जिस जगह से कॉल जिले से आ रही है तो उस जिले को तुरंत स्थानांतरित कर दी जाएंगी, और वो जिले में DCC करके एक सेंटर बना है जो डिस्ट्रिक्ट कमांड सेंटर है, उस जगह से सूचनाएं फिर जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों तक जाती हैं। हमारे जिले में कुल 10 गाड़ियां ERV इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के रूप में प्रोवाइड की गई हैं। इस जिले के 10 बड़े थाना, जिसमें कि टाउन थाना यानी नगर थाना, नवादा, मुफस्सिल, कोइलवर, बढ़हरा, शाहपुर, बिहिया, सहार, पीरो, इस तरह से करके हम लोगों को कुल 10, जगदीशपुर एक है, ये 10 थानों को दिया गया है व्हीकल, और एरिया एक डिफाइन कर दिया गया है। हर व्हीकल पर आर्मी से जो आए हुए व्यक्ति हैं वो ड्राइवर के रूप में हैं, वो एक व्हीकल पर हम लोगों ने 8x3 यानी 24 घंटे के आधार पे उनका डिप्लॉयमेंट रखा हुआ है, और उनके साथ में पुलिस की भी टीम है जिनको कुछ टेक्निकल जानकारी है, तो जैसे ही वो कॉल उनके ऊपर आती है उस एरिया पे, तो उनकी स्क्रीन पे दिखाई देगा और वो एक्सेप्ट करेंगे, और फिर उस
कॉल और कॉलर की तरफ दोनों तरफ रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उस जगह पे सबसे पहले पहुंचने वाली टीम उम्मीद की जा रही है कि हमारी ईआरवी व्हीकल के लोग होंगे। इसमें फ्लीट मैनेजर एक है, उनका काम है कि अपने गाड़ी को मैनेज करना और उस जगह तक पहुंचाना। स्क्रीन पर जो जानकारी मिलेगी उस स्पॉट पे पहुंचने के बाद जो उनका रिस्पांस होगा, रिस्पांस के बाद फिर वो जो भी अनुक्रियाएं करेंगे उसमें, तो उसमें फिर एक एटीआर भी देना रहता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो इमीडिएटली बिना कोई लिखा पढ़ी के आप वहाँ पे ये जानकारी थ्रू डिजिटाइज जो हमारा सिस्टम है उसके जरिए जो है पहुँचाई जा सकती है और हम अपनी रिपोर्ट उस पर सबमिट कर सकते हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि इसका सफल संचालन हम लोग करेंगे। लोगों को ब्रीफ भी कर दिया गया, थाने को बता दिया गया। अब पब्लिक से बहुत उम्मीद है आपके माध्यम से कि इस 112 का इस्तेमाल सार्थक कार्यों के लिए ही करेंगे। 100 सर बंद हो जाए क्या? नहीं, वो सारे सिस्टम सब अलग है, बिल्कुल अलग है। ये जो सिस्टम है ईआरवी यानी व्हीकल, इसके लिए दे दी गई है। आने वाले टाइम में व्हीकल बढ़ेंगे ऐसी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। अभी जो फर्स्ट हैंड हम लोग के पास आई है 10 गाड़ियाँ, इससे पूरे जिले को कवर करेंगे हम लोग। और ये सिस्टम एक अलग है, इस पर 5-6 लोगों की जो टीम है उनको वहाँ पहुँचना है। गाड़ी में वायरलेस सिस्टम है, स्क्रीन है, फिर उसमें पीए सिस्टम है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, ब्लिंकर्स है, फर्स्ट एड किट है और उसके अलावा भी और सी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो ये सारा उसमें एक जो इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड करने के लिए जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए वो सारी चीज़ें उसमें उनको प्रोवाइड की गई हैं। तो उनका काम पब्लिक को किसी भी समय, किसी भी टाइम पर, किसी भी जगह पे आपने जिले में मदद पहुंचाना। यानी 112 पर कॉल करते हैं तो वो गाड़ी पहुंचेगा सर की यदि क्या नहीं बताया हमने आपको ब्रीफ किया कि 112 की कॉल सेंट्रलाइज पटना में पड़ेगी जी। वो सेंटर जिस जगह से कॉल आ रहा है उस जगह को वो ट्रांसफर कर देंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीसीसी बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमांड सेंटर बना हुआ है। वो इमीडिएटली अपने उस जिले के लोकेशन पर जो गाड़ी है उसको तुरंत वो भेजेंगे और कॉल उनको पड़ेगी और वो व्हीकल वहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जो रिएक्शन टाइम होगा वो बहुत ही कम होगा, जो कॉल करने में जो वक्त लगेगा वही है और गाड़ी के डिस्टेंस को कवर करने में जो वक्त लगेगा। तो हम लोगों ने अन्य राज्यों से भी फीडबैक लिया था तो करीब करीब मान के चला जा रहा कि एनएच पे और एक्सप्रेस वे पे जहाँ पे रहता है उस जगह रिएक्शन टाइम 20 से 25 मिनट का है, तो हम लोग के साथ भी लगभग वही हो सकता है। तो उम्मीद करेंगे और टेस्ट के तौर पर हम लोग जब इसको फ्लीट को डालेंगे उसमें तो जैसा रिस्पॉन्स आएगा फिर आप लोगों को फीडबैक दिया जाएगा। बस आखिर में मैं फिर एक बार जरूर है कि पब्लिक से ही अनुरोध करूँगा कि 112 का इस्तेमाल वही लोग करें जिनको वाकई उस गाड़ी की आवश्यकता।